हीरो मेस्ट्रो है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है पिस्टन हम लोग नया डालेंगे। ऑयल चटने का व्हाट स्मोक मारने का प्रॉब्लम था, ऑयल जैसे इसमें लगता है 700-800 तो 900 डालता था, उसका जैसे 500-600 रुपये चलता था ऑयल कम हो जाता, 200-300 निकलता था। तो हम लोग इस पिस्टन को लगाएंगे वॉयस कंपनी का, ये 25 सास का था, पहला फास्ट खुले हैं हम लोग इस गाड़ी। तो ये पिस्टन मेस्ट्रो का बोल के तो नहीं आया, तो हुंडा एक्टिव का बोल के आया, 700-700 रुपया, 750 रुपया दाम है, 750 रुपया। रिंग डाल देते हैं, तो इस तरह हम लोग क्या किया, पहले एक लॉक फंसा दे, गजल पिन फंसा दे, अब हम लोग ऑयल एक्सपेंडर लगाते हो जो स्प्रिंग बोला होता है, इसको हम लोग फंसा देते हैं, इसमें पे फंसा दे इसको, दो ऑयल रिंग आएगा पतली पतली ऐसे, देखे इस तरफ गया तो एक यहाँ पे दिया, इस तरफ जाता है तो इसको हम क्या करते हैं इस तरफ मार देते हैं इस किनारे पे, तो आ गया एक इधर ऑयल स्पिनर यहाँ, और दूसरे वाला हम इधर कर देते हैं। तो हम शुरू से ऐसा ही ऑयल रिंग फंसाते हैं, ये ऐसा आ गया इस तरफ आएगा, तो हम लोग यहाँ से करते इस तरफ, तो फिर देखें ये बैठ गया, एक आ गया इस तरफ देखा थे, एक यहाँ पे आ गया गुरु, और ऑयल स्पिनर जो स्प्रिंग वाला ये बीच में आ गया, दूसरा यहाँ आ गया आयन का, एक इस किनारे में, एक इस किनारे, एक इस, तो आप क्या करते हैं टॉप टू जो हो गया, टॉप टू दे देंगे इसको साइलेंसर का तरफ, ये हो गया सिलेंडर, तो सिलेंडर में नाप लेते हैं, देखें फिर इसमें गैपिंग नहीं है, जब गैपिंग हो जाएगा तब ऑयल चटना शुरू हो जाएगा, ऑयल ऊपर से आने लगेगा, तो टॉप टू आयन मतलब आयन कार्बोरेटर हम दे देते हैं इसको, टॉप टू को साइलेंसर, टॉप टू को दे दे साइलेंसर, एक स्टील वाला आता है टॉप वन, ये आयन कार्बोरेटर का तरफ दे देते हैं, देखे फिर आयन का तरफ एक हो गया कंप्रेसरिंग, एक साइलेंसर, और जो वेल्डिंग है एक इस तरफ दूसरा इस तरफ दे दें, से हम क्या करेंगे आप इसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल देते हैं, विडोल का ऑयल था, विडोल कंपनी का ऑयल लग गया, तो पहले जो है 2000 जब मैंने गैरेज दिए थे 2012 में, तब एक दिए थे स्टेट, एक इस तरफ एक इस तरफ ऐसा ऐसा स्टेट स्टेट दिए थे, एक यहाँ ऐसे ऐसे, वो भी दिए वो भी सही चलता है, जब 2015 से हम यही सिस्टम से हम फिटिंग करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है, तो फिर देखिए फट चुका है, अब क्या करेंगे इसमें कपड़ा डाल देते हैं ताकि लॉक अंदर ना घुसे, उसमें तो फिर दिक्कत होगा, एक लॉक इधर गया इधर तो था, तो फिर ये लॉक को इस तरह हम फंसा देते हैं अभी, तो फिर इसको हम क्या क्या बोरिंग करने के लिए किसान ले थे, इसमें बोरिंग के देखिए कोरोसिन बोरिंग है, जैसे कहता है ऐसे सीधा स्टेट पुलिस होता है, दाग फंस जाएगा तो फिर इसका फंस जाएगा तो 2-3 महीना में ऑयल चटना फिर शुरू, व्हाट स्मोक शुरू हो जाएगा, ये कोरोसिन बोरिंग है, जल्दी स्मोक नहीं आएगा और ऑयल भी नहीं चटेगा, ये बोरिंग सही लगता है मुझे, और 2 साल तो चलना ही चाहिए, इंजन ऑयल आपको सिर्फ चेंज करना है, टाइम 1800-2022 में 2000 का अंदर चेंज करना है, 2 साल कन्फर्म चलेगा, अगर इंजन ऑयल चेंज नहीं करेगा तो 6 महीना में ख़त्म, तो इसमें ये तो हम लोग फंसाएंगे, पहले हेड को फिट कर लें, जैसे भाल को हम लोग फिट कर दिया, आप इसको सिर्फ केम साफ कीजिएगा, ये हो गया केम साफ, ये जैसा पहले जब में केम साफ आता है, ये थोड़ा अलग मॉडल का आता है मेस्ट्रो का, थोड़ा टाइमिंग सिस्टम का आता है, इसको सब एक ही होता है,
थोड़ा घुमा के हम फंसा लेते हैं इसको, क्या हमको फ्रेंड देखें ये फंस चुका है। तो फ्रेंड जैसे पहले जार में एक लॉक आता है, गुल टाइप का एक लॉक आता है, इसमें लॉक ने ये लॉक का काम करता है वॉशर से, इस बेरिंग का किनार पे फंसा रहता है, इसे जैसे टाइट करेंगे आएगा नहीं इस तरह, इसको हम टाइट कर लेते हैं 10 नंबर की का मदद से। ज़्यादा टाइट नहीं देना चाहिए, इसे हो जाएगा कंप्लीट हो गया ये। तो फ्रेंड हेड का काम इस तरफ कंप्लीट हो गया, भाल सील भी हम लोग डाल दें नया, भाल पे ग्रेंट कर दें। इसका क्या करेंगे, इस पलक में जो ऑयल चलता था इसमें काचे है, हम लोग चैंपियन का लगा है, हम लोग चैंपियन न्यू पलक लगा देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं फटाफट से ये पलक को तुम बदल दो और हम पैकिंग डाल देते हैं। जैसे हो गया बोलो गैस्किट हो गया, हेड गैस्किट हो गया, यही दोनों मेन हो गया, डाल देंगे इसमें रेसिबन लगा के। इसमें रेसिबन नहीं देने से भी दिक्कत नहीं, हेड गैस्किट में दे देंगे हम लोग, ऐसे ऐसा ही दे देंगे, सिर्फ इसमें रेसिबन लगा देंगे। तो फिर इसको हम फंसा लेते हैं। तो फिर देखिए क्या करते हैं, टाइमिंग चेन को फंसा लेते हैं यहाँ से, टाइमिंग चेन फंस गया। तो फिर थोड़ा सा काट काट के दिखाते हैं, कहने तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगा। तो चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड, और साइड में बेल आई घंटी मिलेगा उसको भी प्रेस कीजिएगा, तो ताकि क्या होगा जब सब्सक्राइब करने का बेल आई घंटी को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितना भी आगे इस चैनल में हम लोग इस न्यू वीडियो डालेंगे आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले चल जाएगा। तो फ्रेंड आप सिलेंडर को बता दें, इसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल दे देते, दे दिया। अब क्या करेंगे फिर एक बार दिखा दो इधर आओ कैमरा लेके। तो फ्रेंड देखे एक कंप्रेसर हम टॉप वन जो है ऊपर दे दिया, आयन कार्बोरेटर, टॉप टू कंप्रेसर जो हो गया, टॉप टू साइलेंसर, टॉप वन कार्बोरेटर और ऑयल रिंग, एक आयन के जो गजल पिन है एक स्किनर में एक स्किनर में, ऐसे हम देते हैं, मुझे सही लगता है चलता भी अच्छा है। तो ऐसे हम फंसा देते हैं अब सिलेंडर को, टाइमिंग को फंसा लेते हैं इधर से। तो फिर देखें टाइमिंग चेन आ गया, आप क्या करेंगे पिस्टन फंसा देते, थोड़ा पकड़ो चेन को पकड़ो, रुको एक मिनट इसको फंसाते हैं अभी, टॉप ऊपर वाला टॉप वन फंस गया, टॉप टू थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा सिलेंडर को, अपने आप फंस जाएगा। तो फिर देखें हिलाए तो फंस गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो फिर आप इसको सिलेंडर को तरफ खेल देते हैं। तो फिर देखे बैठ गया, आप क्या करेंगे हम थोड़ा सा इधर मैग्नेट सेट का इसको घुमाएंगे आगे से इधर से देखो। तो फिर थोड़ा पिस्टन को ऊपर कर देते टॉप में, ये गया नीचे का तरफ, थोड़ा ऑयल लगा देते, आ गया ऊपर। तो फिर आयन ऊपर आ गया, आयन ऊपर मतलब टॉप वन जो है कंप्रेसर रिंग टॉप वन दे दिए, ये आयन एन आई लिखा हुआ है, एन आई आयन एक ही हुआ सेम, तो एक दे दे आयन का तरफ टॉप वन, टॉप टू दे दे साइलेंसर नीचे का तरफ, और जो ऑयल रिंग है एक स्टेट में आ गया यहीं पे, और दूसरा यहीं पे आ गया। पहला हम ऐसे भी देते थे एक स्टेट में, एक ही स्टेट में, जैसा कम टॉप वन इसमें दे दिए कंप्रेसर, टॉप टू कंप्रेसर इसमें दे दे, ऑयल रिंग एक इसमें दे दे, ऑयल रिंग एक इसमें दे, और जो जाली वाला रिंग है ऑयल एक्सपेंडर इस कहीं पे दे देते ऊपर साइड में जहीं पे दे देते चलेगा। तो उसमें उससे जो ई लगा थे एक इधर स्टेट उससे हमको यही तरीका सही लगा, 2015 से हम यही ओरिएंटेशन से फिटिंग करते, तो मुझे सही लगता है चलता भी सही है। मेरा जो स्प्लेंडर बाक है बहुत पुराना मॉडल है, 2002 मॉडल है, उसमें भी पिस्टन लगे 1 साल 7 महीना चला, तब हल्का व्हाइट स्मोक देने लगा। तो हम सिर्फ कुछ दिन पहले 2-3 महीना होगा करीब, तो रिंग डाल दिए, कोई काम टॉप वन टॉप टू 2-3 महीना सही चलता है, हम रफ्तार भी बहुत चलाते फिर भी सही चलता है। जब 2018-2022-2000 के आसपास हम चेंज करते, जैसे 900 बिडोल डालते, 900 ग्राम का एक डब्बा आता है 900, तो 900 डालते कभी 700 निकलता है कभी 800 निकलता है, वैसा ही जैसे स्पीड में चलने से थोड़ा कम होता है ऑयल। तो फिर ये फंस चुका है, तो आप क्या करते हैं हेड गैस्केट को रेसिबन से फंसा देते हैं।
तो फिर वीडियो पूरा देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एकदम कम्प्लीटली दिखाएंगे, अगर 6-7 मिनट में बनाएंगे तो नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा समझने में। तो जितना होता है क्लियर, शुरू से अंत तक बने रहे वीडियो में, समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास स्कूटी है तो बाय द बाय आगे पीछे तो प्रॉब्लम हो ही सकते हैं, तो यही चीज़ जो मैकेनिक का पास दीजिएगा तो यही चीज़ चेंज होगा। अगर ये स्कूटी का टाइमिंग चेंज जल्दी ख़राब नहीं होता है, टाइमिंग चेंज पुराना वाला रहेगा तो आप इसको फंसा देते हैं गैस्केट को, हेड गैस्केट को। तो फ्रेंड आप टाइमिंग चेंज का एक पेड़ रहता है, ये पेड़ को हम फंसा देते हैं, ये फंस चुका है, तो फंसाऊँ। कभी कभी क्या करते हैं, हर बोरी में हम लोग गैस्केट को उल्टा फंसा देते, जब सेटिंग नहीं था फिर तुरंत खुल के चेंज कर देते। चलो तो फिर आप क्या करेंगे, हम लोग इसमें रेसी बन थोड़ा सा देके फिट कर देते। तो फिर रेसी बन हम लोग लगा दें यहीं पे ताकि लीक ना हो, यहाँ से अगर लीक होगा तो दिक्कत होगा, पिकअप भी कम लेगा, कंप्रेसर भी कम होगा, स्टीयरिंग प्रॉब्लम होगा। इसलिए जितना भी गाड़ी खुलते हेड गैस्केट में रेसी बन हम लगाते, देने का मकसद है लीकेज नहीं होगा तो पिकअप सही होगा। तो फ्रेंड जैसे फिट हो गया, ये साइलेंसर हो गया, ये कार्बोरेटर तो भरा वाला भाल आयन का तरफ रहता है, तो ऐसे फंसा देते अभी हम लोग। तो फ्रेंड ऐसा अगर फंसाएंगे हम सोचे इसमें बूस लगा हुआ है, इसमें बूस लगाओ नहीं हो नहीं बूस लगाओ, तो फ्रेंड बूस खुला हुआ है, बूस हम लोग फंसा देते हैं बूस। तो फिर बूस भी फंसा दे हम लोग, चेन को पकड़ो सही से पकड़ो, आया चेन फंसाएंगे हेड को। हाँ तो फिर देखिए लगभग आ गया, आप क्या करना, इसका नहीं आता है, इसका मतलब इसका जो है रोकर फिन का टाइमिंग थोड़ा सा अल्टर होगा, रोकर फिन सही करना पड़ेगा, सही कर लेते हैं। हाँ तो फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फंस गया था, आ गया लाइन में, थोड़ा बूस में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बूस फंसेगा तो आराम से फंस जाएगा। तो फिर देखिए बैठ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वासर डालेंगे, वासर डाल के डालो, चार वासर डाल के 12 नंबर की चार नट फंसा देते, और इधर से 2-10 नंबर स्टेट आएगा। देखें 10 नंबर की 2 स्टेट इधर से हम लोग फंसा देते अभी। तो फिर देखें अब क्या करते हैं, स्टेट सबको हम टाइट कर लेते हैं फटाफट से, डेरिया टाइट कर लेते, एक इस तरफ एक इस तरफ, ताकि सही से बैठ जाए। दस नंबर की 2 स्टेयर होता है, इसमें भी फंसा देते, स्कूटी का आता है 2, इस तरफ हो गया एक, हो गया इस तरफ टाइट कर लेते। तो फिर 10 नंबर के जो स्टेयर है ये टाइट कर लिए फुल, अब इसको कर लेते फुल टाइट, हिसाब से कर लेते, जितना होना चाहिए उतना ही कर लेते। तो फिर टाइमिंग इसको अगर ये फंसाने का पहले हम लोग इसको लूज कर लेते टेंशनर को, सुपर मॉडल का टेंशनर है, तो आप हम फंसा देते हैं। अगर ऐसे देते कोई दिक्कत नहीं होगा, उल्टा देखा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे देते, आप इसे टॉप में इधर से भी दिखाई देगा, तो नंबर 1 किस तरफ देंगे, नंबर 2 को इस तरफ, इस बड़ा इस लेवल में आएंगे ऐसे, तो टाइमिंग मिल जाएगा सही तरीके से। इधर आप मैग्नेट को थोड़ा सही क्या करते हैं, शुरू करो अभी ऐसे फंसा लेते इसको। तो फिर फंसो भाई फंसो, थोड़ा सा बाकी पेट में लग गया, हाँ फंस गया अभी। तो फिर हम दिखाने का कोशिश करते हैं, देखें एक आ गया, एक निशान है पे, टॉप 2 का निशान, टॉप 1 का निशान है पे, बराबर में आ गया, इसका मतलब आप टाइमिंग में हो गया। देखें कोशिश करते हम दिखाने के लिए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी नहीं देखा देगा, हाँ 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 ऐसे देखें 2 निशान दिखा देता है, तो आप फंसा देते। तो इसको हम फंसा लेते। तो फ्रेंड देखें एक यहाँ पे निशान आ गया, आप दिखाई देगा शायद, एक
यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, इसका मतलब टाइमिंग है में अभी ऑफ। देखिए 8 नंबर का बोल्ट होता है यहाँ पे, इसको हम फंसा लेते हैं, एक इधर और दूसरा यहाँ पे, तो आप फटाफट से टाइट कर लेते हैं। तो फिर उधर से मैग्नेट पकड़ा भाई हाथ से, तो अभी हम लोग 8 नंबर टी से इधर टाइट कर लेते हैं, टेंशनर को खोल देते हैं, इसे खुल गया, पकड़ो। हाँ तो फिर दोनों टाइट हो चुका है टाइमिंग में, टाइट फिट भी सही एडजस्ट में है, कुछ करना नहीं होगा, हल्के हल्के लूज भी है दोनों, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। 9 नंबर लगेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, स्टेप को टाइट कर दे, ये भी हिलता है सही है इसका मतलब। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेसी वन से स्टाफिट कवर को फंसा देते। तो फ्रेंड जैसा अभी हम लोग की कवर को लगाएंगे, गाड़ी में उठाएंगे तो खुलना दिक्कत होगा, जैसे टाइफिट हम लोग टाइमिंग में है अभी, देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा किक मारेंगे, किक मार के देखते हैं, यहाँ से ऑयल उठना चाहिए, अगर उठेगा तो ठीक है, नहीं उठेगा तो ऑयल पम्प का भी काम करना पड़ेगा। तो किक मार के देख लेते, पलक लगा है खुलने से, आने से बोलना मारते। तो फिर ध्यान दीजिएगा, यहीं से ऑयल उठेगा, आ गया ना। तो फिर देखिए इंजन ऑयल आना स्टार्ट हो गया, यहाँ से ध्यान दीजिए, अभी आएगा, आता है ना। तो फिर देखिए इसका जो है ऑयल पंप सही से काम कर रहा है, इसका मतलब सही है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, इस टाइट कवर को फंसा देते हैं, मतलब फाइनली ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो ये सब तो हम लोग पैक कर लिए, तो आप फंसा देते इसको, चलो भाई फंस जाओ, दो ऐसा ही बोल्ट फंसा देते हैं, सिविल जेट मॉडल का आ गया, स्कूटी में सही लगता है, एक इधर हो गया, दो दस मट्टी से टाइट करो फटाफट से, दोनों मीडियम टाइट करो। तो फिर इसका जो हेड बोलो का काम था वो कंप्लीट हो गया, जो वाट स्मोक का प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम भी 100% सही हो गया। तो अभी क्या करेंगे, ये जो फाइबर का जो कवर है हेड का, ये सब कवर हम लोग फंसा देते हैं, फिर दिखाते, फिर स्टार्ट भी करके दिखाएंगे। तो फिर जैसे हो गया, अब इस कवर को हम लोग फंसा देते हैं, फिर कोशिश करेंगे स्टार्ट करके, जैसे चेजिस में उठा के स्टार्ट करके भी हम लोग कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए। तो फिर बने हुए वीडियो में, तो फिर देखिए इस कवर को फंसा दिया, अभी साइड में स्क्रूप लगे, स्क्रूप भी फंसा दिया फटाफट से। तो फिर इंसुलेटर पैकिंग को, इंसुलेटर पैकिंग इसको बोलता है, इंसुलेटर इस यहाँ पे लगता है, तो इसको फंसा लेते पहले यहाँ पे, जैसे फंस गया, अब इसको फंसा के नट लगा देते, अभी फंसा देते, एक ट्यूब का रबर भी रहता है यहाँ पे, फंसा दिया, ऐसे बाद में फंसा देते, फिर तो ऐसे बैठ गया। आप क्या 10 नंबर दो नाट को हम पूर्ण लगाए थे, 10 नंबर दोनों नाट फंसा देते, तो टाइट कर लेते। देखिए हम लोग का हेड इंजन का साथ कार्बोरेटर भी फिटिंग फिट हो चुका है। आप क्या करेंगे, जो एस्केलेटर पिस्टन है सलाट, इसमें फंसा के इंजन वायरिंग करने लगा के स्टार्ट करके दिखाएंगे फिर। तो वीडियो में बने रहे, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साइड में बेल आई घंटी मिलेगा उसको भी प्रेस कीजिएगा, प्रेस करने के बाद क्या होगा, ताकि इस चैनल में जितना भी हम लोग नया नया वीडियो डालते रहेंगे आपका सनरेशन सबसे पहले चल जाएगा। तो फ्रेंड अभी हम लोग क्या करते हैं, साइलेंसर भी फंसा देते हैं, साइलेंसर लाओ, वो बोला साइलेंसर लाओ, साइलेंसर वैलेंसर सब फंसा देते हैं। तो फ्रेंड साइलेंसर भी फंसा देते हैं, साइलेंसर आ गया फटाफट से, साइलेंसर फंसा देते हैं। तो फ्रेंड हम लोग साइलेंसर फंसा दें, यहाँ पे जो 10 नंबर की नट रहता है वो टाइट कर दें, 14 नंबर की बोल्ट है वो टाइट करते हैं। तो फिर लगभग हो गया, अभी 3-4 मिनट में गाड़ी स्टार्ट करने वाला है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो अगर छोटा होगा तो पूरा वीडियो हम बना नहीं पाएंगे, इसलिए बड़ा होगा, फुल काम हो रहा है, जैसा इंजन उतरना पड़ता है स्कूटी का चेजिस से, ग्लैमर सुपर वो सब तो स्प्लेंडर वो सब उतरना नहीं पड़ता है, स्कूटी हो गया, विक्टर हो गया, वो सब को उतरना ही पड़ता है, इंजन LML फ्रीडम का हो गया। तो फ्रेंड देखिए इसका काम जो है कम्प्लीट, सिर्फ चेंजेस में फंसाएंगे, वायरिंग फंसाएंगे, वायरिंग फंसा के
ये बाइक हम लोग स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ बाइक आता है स्कूटी, कभी कभी हम लोग स्कूटर भी बोलते हैं। तो फ्रेंड इंजन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, रात भी काफ़ी हो गया हम लोग का, ले दिन में अगर दूसरा रनिंग काम आ जाएगा तो दिक्कत होगा। कस्टमर को हम लोग टाइम दिए करीब 3 बजे तक, जैसा हम लोग आज खुले 3 करीब वैसा ही टाइम था, 2-2.5 बजे तक खुले, 3 बजे के आसपास खुले हम लोग, कल शाम 3 बजे तक होगा। कहीं खुल के फिर लेद में जाना पड़ता है, लेद में भी गए बोरिंग करके तो आगे फिर टाइम लगता है। एक पल्सर गाड़ी खुला हुआ था सर्विसिंग में, सर्विसिंग होगा उसका सोकर भी बना के लाए, तो फिर इसका काम थोड़ा लेट ही से कंप्लीट होगा। दिन में अगर दूसरा रनिंग काम आ जाता है, सर्विसिंग दूसरा काम, तो दिक्कत होगा, इसलिए इंजन का काम रात हो जाता है। कोई बात नहीं, करके रख देते रेडी करके। चलो चेजिस लाओ। तो फ्रेंड आप चेजिस को लाएंगे, हम दिखाते हैं चेजिस कहाँ पे। व्हाइट कलर की स्कूटी देखिए, यहीं पे गाड़ी, रात भी काफ़ी हो गया, देखिए गाड़ी चल रहा है अभी। तो फ्रेंड देखिए बॉडी आ गया चेजिस, मतलब ये इंजन हो गया और बॉडी हो गया, चेजिस आ गया। हम लोग एक आदमी बाहर गया, एक आदमी और रहेगा, तो यहाँ पे सेंटर करके एक्सेल में हम लोग ऑयल दे के रखे, एक्सेल फंसा देंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट से स्टार्ट कर लेंगे। तो फिर देखिए अभी हम लोग चेजिस को इंजन का साथ फिट कर लेंगे। आ जाओ आ जाओ, उल्टा आ गया रे भाई, आ जाओ। देखो फिर जीसीपी का तरफ उठा लिया हम लोग, आप जो है एक्सेल को थोड़ा सा सेंटर मिला के एक्सेल हम फंसा लेते हैं, फिर सेंटर करके सिर्फ एक्सेल फंसा लेते ताकि जल्दी हो जाएगा। तो फिर आप क्या कह रहे हैं, देखिए हम लोग छोड़ दें, जो एक्सेल होता है इंजन का साथ जो चेजिस फंसता है, एक्सेल हम लोग फंसा दे नाट को, देखा ये 70 नंबर की नाट हम लोग अभी फंसा देते हैं। चलो फंसाओ, नाट फंसाओ। नाट फंसाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये सब वायरिंग सब लगा देते, पेट्रोल पाइप उप लगा देते और स्टार्ट कर लेंगे, फटाफट से लगा लेते फिर। तो फिर जितना सब पाइप है, एयर पाइप उप सब हम लोग फंसा देते, पेट्रोल पाइप उप सब फंसा लेते। तो फिर जितना वायरिंग था हम लोग ये फिट कर दिया, देखिए आप चाबी को करते 1 लाइन आ गया, आप मारते सेल, तो फिर देखे स्टार हो गया, हम बोले भी स्टार करके दिखाएंगे तो स्टार हो गया। तो फिर कोई धुआं नहीं मारेगा, देखे बिल्कुल सही हो गया अभी। किक मारो, तो किक मार के अभी देख लेते स्टार होता है, मारो जोर से मारो। तो फिर देखे स्टार हो गया, अब पिकअप लेते थोड़ा सा। तो फिर ये बाइक बिल्कुल स्टार हो गया, अब इसका बॉडी फंसा देते, चलो फंसाओ बॉडी फंसाओ। तो फिर ये इसका बॉडी है, बॉडी फाइबर है वो हम लोग फंसा लेते हैं, मेस्ट्रो लिखा, इसका वायरिंग फंसाओ, वायरिंग पहले फंसाओ। तो फिर ये कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आई घंटी मिलेगा उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी वीडियो हम डालेंगे इसमें न्यू तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले चल जाएगा। आप सीट को भी फंसा लेते फटाफट से। तो फिर स्कूटी तैयार हो गया, थोड़ा चला के देख ले, दुकान का अंदर ही चलाते हैं थोड़ा सा। तो फिर देखिए बिल्कुल सही हो गया इसका, हम लोग पिस्टन लगा दिया, बिल्कुल चांस हो गया। का रात ज़्यादा हो गया, क्या करेंगे, दिन में रनिंग काम आता है इसलिए इस क्लियर करके रख दिया, कोई टेंशन नहीं। कल क्या करेंगे हम लोग, आके वॉश करेंगे और तैयार करके करीब 2 या 3 बजे तक आ जाएगा कस्टमर, गाड़ी डिलीवरी हो जाएगा। तो फिर ये वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आई घंटी मिलेगा उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी इस चैनल में वीडियो डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले चल जाए। तो फिर वीडियो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं।